अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे पॉइंट को डिस्कस करूंगा जिससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आई हैव ट्राइड इन माई लाइफ एंड इट्स रियली वर्क। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? हम किसी को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं और, एक मैसेज, दो मैसेज, तीन मैसेज, और ब्लू टिक भी आ गया, स्टेटस भी आ गया कि इट्स डन, लेकिन दैट पर्सन डिडंट रिस्पॉन्ड। एक दफ़ा नहीं किया, दो दफ़ा नहीं किया, तीन दफ़ा नहीं किया। अब एक सिनेरियो तो ये है कि जी पॉजिटिव थिंकिंग, बिजी होगा, कोई इशू होगा, जब भी बंदा हमसे कट रहा है हमें, यू नो। दूसरी साइड क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। एक पूरी ना फिल्म स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं उसको ये प्रॉब्लम होगा, वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, ये मिजाज आ गया, फलना इशू हो गया, बड़ा हो गया, चौधरी हो गया। बहरहाल टाइम चला जाता है, मामला सेटल हो जाते हैं। आफ्टर अ वाइल हम उस बंदे से दोबारा कनेक्ट करते हैं, दोबारा। अब यहाँ पे असल प्रॉब्लम है कि हम अपनी लाइफ को आसान कर रहे हैं, अगले की लाइफ को आसान कर रहे हैं, या फिर हम अपनी लाइफ को टफ कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहे हैं। जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो पॉजिटिव बिहेवियर है, वो ये कि जब आप दोबारा मिले तो माजी के जो किस्से हैं आप उनको छोड़ देते हो, ऑल्दो कि आप बहुत हर्ट हो, बहुत वाउंडेड हो, बट आप उसको छोड़ देते हो एंड यू जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी किया था, कह दिया था तसरीब अलैकुम अल्यौम, माजी को छोड़ो, तुमने जो है ना मुझे कुएं में फेंका और मेरे साथ ये हुआ, तुमने आके मेरे ऊपर चोरी का, मैं बादशाह के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है और मैं पावर होने के बावजूद मैंने तुम्हारा ये इल्ज़ाम देखा कि अगर इसने बिन्यामीन ने चोरी की है, फ़कत सरका अखुल्लहु मिन क़ब्ल, इसका भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ़ किया, रफ़ा दफ़ा किया एंड ही मूव्ड ऑन, आगे चले। यह है पॉजिटिव बिहेवियर। और हम अपनी लाइफ में कैसे मुश्किल कर रहे होते हैं? हम एक बंदे से दोबारा कनेक्ट करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं भाई इससे तो हमने पहले माजी का जो हिसाब किताब है वो चुकता करना है, इसको इसकी नानी याद दिलानी है, वी विल मेक हिम फील अशेम व्हाट ही हैड डन विद अस। और ये सारी चीज़ें करते करते इसका लीस्ट हम ये करते हैं कि फ़ोन पे, हाँ भाई बड़े चौधरी हो गए हो तुम तो भाई बड़े आदमी बन गए, अब तो फ़ोन भी नहीं उठाते, तुम जवाब नहीं देते। तो इस तरह के जुमले या बातें क्या होती हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं किसी भी लेवल के, फैमिली या सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, तो ये अपने आप को मुश्किल बनाना या उस ताल्लुक को मुश्किल बनाने वाली बात है। मुश्किल काम है उसको मूव ऑन करना, मुश्किल काम है अपने आप को सब्र के साथ रखना, लेकिन आप यकीन करें जब हम ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।